दुश्मन ने इस बार सामने से धमकी दी है। यहाँ के लोगों के लिए जो लड़ रही है हरिटो इटो, जो लीडर है उनकी, उसको उठाने का। और एक बुरी खबर ये कि उसे उठा भी लिया है, किडनैप भी कर लिया है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। इटो के वो कहाँ रखी गई है। जब ये लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे तो उसके साथ एक और बंदा था जिसको ये उठा के यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर मैं उसे छुड़ा लेता हूँ तो शायद उससे कोई जानकारी मिल सकती है कि हरिटो इटो कहाँ रखा गया है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, एंड माय डियर दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट का अगला एपिसोड। इस बार दुश्मन थोड़े खतरनाक हैं। खतरनाक होने का मतलब ये है कि इस बार दुश्मन हमारे गायब हो सकते हैं। आप गलत नहीं सुन रहे हो, सही सुना आपने, दुश्मन हमारे गायब हो सकते हैं। कुछ नया यूनिक सा तरीका निकाला इन्होंने। कुछ ड्रेस इनके ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है गायब हो चुके हैं, अगर घुल मिल जाते हैं उसी। ये वही है जिसे हम छुड़ाने आए हैं, ये वही है। अब अगर इसे छुड़ा लेते हैं तो हरिटो को छुड़ाना बहुत आसान हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बहुत आराम से करना होगा। यहाँ पे मैं जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकता आवाज करने का, इसलिए साइलेंसर लगा के हर एक गन में, तब आगे बढ़ेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि मेरी पिस्टल पे भी साइलेंसर होगा, एक बार चेक कर लेंगे उसको भी, क्योंकि अगर आवाज हुई यहाँ पे और इन्होंने देखा तो ये उस ये उसको मार सकते हैं। और अगर ये मर गया तो फिर इटो की लोकेशन में कोई बता नहीं पाएगा एग्जैक्ट वो कहां पे है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे छुड़ाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, टेक इट इजी बॉय, टाइम स्विच द नाइट विजन, इजी ना। ये उधर घूम नहीं रहा, वरना इसको मार देता। ये आई थिंक वही है जो नहीं, वो नहीं है, ये वो नहीं। मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा, उससे मुलाकात कराऊंगा जो गायब हो सकता है। ऑलराइट, आराम से आगे। ओह शिट, आराम से आगे बढ़ेंगे अभी। ये देख 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 रहा था सामने, दिख रहे हो, हीट विजन में दिख रहा है ये, बट नॉर्मल में नहीं दिख रहा था, देखा आपने, वैसे ही बात कर रहा था जो गायब हो सकता है। मैं ये एपिसोड इसको दो पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि थोड़ा लंबा आ जाएगा ये। हरिटो को छुड़ा इतना ईजी नहीं है, काफी इसमें अलग अलग पड़ा हुआ है, उनको पार करके उसे हम, कोई है यहाँ पे, कोई छुड़ा पाएंगे, ईजी ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लेता तो अपलोड करने में थोड़ा सा ड्रामा है, क्योंकि अभी मैं सबनॉटिका स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव में, हम लोग अभी तो आर्क वार खेल ही रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस वीडियो को मैं अपलोड कब करूँ। टाइम लगेगा बट मैं करूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो कल या परसों आ जाती है तो उसका अगला एपिसोड आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लाइव हम एक साथ चला रहे हैं गेम्स को लेके, और अभी सबनॉटिका भी स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़े टाइम में करेंगे उसको भी, पहला पार्ट खेलेंगे, फिर मौका मिला तो दूसरा भी खेलेंगे, बट देखते हैं, अगर मौका मिला तो उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी। फिलहाल आप पार्ट वन एंजॉय कर रहा हूं। और एक बात, हाँ, इस वीडियो पे अगर 4000 लाइक आते हैं तो दमदार बात होगी, और मुझे आपसे उम्मीद है कि 4000 लाइक आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो या आई नो बॉयज, आ रहा हूं मैं। इनको डाउट है कि कोई है यहाँ पे, बट कौन है क्या है ये पता नहीं है। अगर इनके किसी बंदे ने गोली चलाई हमारे ऊपर तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, और उसकी आवाज अगर इनके इन तक पहुंच भी गई तो फिर बचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। Easy now, lady. ये भेड़िए हैं, यहाँ के आतंकवादी बहुत खतरनाक होते हैं, एक साथ मारना होगा बारी बारी।
निलिया बढ़िया गुड शॉट। Night vision on. Good kill. एरिया साइड से क्लियर है, कोई है नहीं। जहां हमने उसको रिकॉर्ड मारे जाते अभी, जहां हमने रिकॉर्ड उसको देखा था ना, उसको जाके ठोकते हैं साले को। Hasta la vista, baby. That's the one. Okay, area secure, कोई है नहीं यहाँ पे, clear. बढ़िया. Okay. इसको बंदी बना के मार के ये वीडियो बना के भेजने वाले थे साले. सही समय बचा लिया इसे. I'll get you out of here. Thank you. If they'd managed to kill me, they would have snuffed out any chance of cooperation between Skell and the outcasts. All hope for a new Aroan nation would have been dead in the water. जैसे लगता है अरोवा में शांति होने वाली है, कोई ना कोई आके हमला कर ही देता है वहां पे, और इस बार भी वही हुआ। हमें लगा था कि पिछले मिशन के बाद हमने इतने सारे लोगों को मारा था, अलग अलग उसके हाथ को दाहिने हाथ बाएं हाथ सब वो काटा था हमने, फिर मेन बंदे को ठोका था पिछले एपिसोड में देखा है, जो हमें लगा था उसके पास शांति हो जाएगी, बट नहीं, एक नया ऑपरेशन ऑपरेशन मदरलैंड स्टार्ट हो गया। यहां बाहर भी एनिमीज घूम रहे हैं, लोकेशन सिक्योर करना होगा पहले, उसके बाद लेके जाएंगे इसे। We're not traitors. I see you. Yeah.
good to have more firepower. We're clear. Time to switch to night vision. The outcast will protect you now. Thanks. Hey, they had me read a speech for the cameras. Made me say that the Bodarks were here to conquer Aroa, in service of Mother Russia. The officer in charge was a man named Vasily Kropotkin. Activating night vision goggles. All right, boys, जितना हमें मालूम चला उसके हिसाब से जब हरिटक उठा के ले गए थे वो तो वहां पे काफी सारे लोग थे और उनके साथ बंदी बनाया गया है इसको। हरिटक अकेले नहीं पकड़ गए जैसा कि ये बताया है, बट अंदाजा गलत भी हो सकता है। इसने दो तीन लोकेशन के बारे में बताया जहां वो हो सकती है। एक लोकेशन ये है और इस लोकेशन पे ऑलरेडी तीन चार लोग को पकड़ के बंदी बनाकर रखा गया, तो शायद शायद हरिटक भी यहाँ हो सकती है। चांसेस नहीं है कि पूरा कंफर्म नहीं है कि यही मिलेगी, लेकिन हाँ अगर वो यहाँ नहीं भी मिली तो कम से कम जो चार पांच लोग यहाँ बंदी बनाए गए हैं उन्हें लेके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और एक बात आज आपको एक चीज दिखाऊंगा। जब भी मैं इसके एपिसोड्स अपलोड करता हूँ तो कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बहुत आसान है, बहुत प्यार से खेल रहा हूँ, बहुत ईजी है ये। तो आज आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पे इस एपिसोड में कि कितना आसान है ये। ठीक है, आपको आसान इसलिए लगता है क्योंकि आसानी से मैं खेलता हूँ, लेकिन अगर माहौल बिगड़ेगा और हल्ला गुल्ला हुआ तो यही एनिमीज जो इतने मोहब्बत से खड़े हैं वो कितने भयानक हो सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप ये एपिसोड यहां तक देख चुके हो तो आगे देख के जाना, ठीक है, आगे देख के जाना। या मुझे पता है लॉन्च अलार्म हुआ तो फिर सबको मार देंगे ये लोग, आराम से ठोकना होगा, बट मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ रहो। पेट्रोलिंग बहुत तगड़ी है यहाँ पे। अब इस लोकेशन पे कहाँ कहाँ छुपा कर रखे होंगे, बहुत मुश्किल है इस तरह से खोजना उनको, जाके सबको देखना होगा मुझे लगता है। ऐसे तो मिल चुका एक ही रहा। नहीं बॉय, ऐसे मुश्किल है, हमें जाके खोजना पड़ेगा। हरिटो को भी पता तो नहीं चल रहा यहाँ पे, लेकिन कम से कम ये चार जिंदगी बच जाएंगी, हम उसको भी खोज लेंगे। पहले इनको बचा के निकलते हैं यहां से। Night vision on. I'll get a better look of the area. These results will help. Scan shows a ton of hostiles. कितना शांत सा है ना माहौल, कितना प्यारा लग रहा है, आराम से हवाले कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि जब माहौल खराब होता है तो यही एनिमीज कैसे फूफा जी बन के आपकी बुंड तोड़ने में लग जाते हैं। ठीक है, इंतजार करना। ओह शिट, I'll get a scan for you. This will give us the advantage. Thanks.
Uh-huh. They more than outnumber us. Take care. Yeah, okay. Clear, I think. We have bad guys in the area. Good one. इसे डिसेबल करना होगा वरना अगर ये जाग गया तो फिर खामखा बहुत बहुत शोर शराबा हो जाएगा, सबको मालूम चल जाएगा हम यहाँ पे हैं। और फिलहाल ये रिस्क हम नहीं ले सकते। I'll give you a better look. I see a caller. Keep an eye on him. Activating night vision goggles. Keep your eyes open. Enemies nearby. Where are the enemy? Enemy location there. पहले यही करते हैं कि जितने भी यहाँ पे बंदी बनाए हुए ना, उनको छुड़ा लेते हैं। और उसके बाद नॉट फाइट मेट, उसके बाद यहां से निकलेंगे, क्या बोलते हो? क्योंकि अगर मैं इनको छुड़ाया तो मेरे पीछे पीछे भागते हुए आ सकते हो, फिर इनको गोली लग सकती है, इसलिए पहले सबको ठोक देते हैं जितने एनिमीज है, उसके बाद ही को लेके बाहर निकलेंगे। और फिर मैं दिखाऊंगा आपको मौत का तहलका। Ready here. Roger, moving. मैं इनको अकेले नहीं ले पाऊंगा। टारगेट करो। Maneuvering now. On my mark. जल्दी। Ready to shoot on your mark. I'm set to take out the target. Target. Get the word, boss. 3, 2, mark. Yeah. Good shooting. We're good now. Rock and roll. जल्दी आओ, मैं इसको अकेले नहीं मार पाऊंगा। दो है यहाँ पे, एक साथ लेना होगा। Putting on night vision. Nice one. Nice shooting. Eyes open. Enemies nearby. Put my night goggles on. Damn. Excellent work, Nomad. I'll take a look around. Doubt. Good kill.
come switch the night vision. Hello there, sniper. एक यहाँ पे है ना जो देखा था हमने, इसको निकालते हैं पहले, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे सिविलियंस को मार भी दिया है। oh, यहाँ पे बात से कंफ्यूज नहीं हो रहा है जो बार बार ये बोडाक बोल रहे हैं ना, जैसे हर एपिसोड में नए नए एनिमीज आए हैं, इस बार जो है इनका नाम, ये ग्रुप है उसको बोडाक नाम दिया जा रहा है, इसके बारे में बोल रहे हैं ये, ठीक है। Where are the enemies? Excellent work, Nomad. मुझे तो रास्ता क्लियर है यार, अब इनको निकाल सकते हैं, यहां से लेके जा सकते हैं, एनिमीज बचे नहीं होंगे, अब निकालते हैं इनको। Nomad, you came. Thank God. Follow me and be careful. There are bodarks in the area. Alright guys, let's go now. यार हरिटो हिटो कुछ मालूम नहीं चला यहाँ पे, इसका कोई अता पता तो नहीं है, बट हाँ मिल जाएगा मालूम, जल्दी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ये चार बच गए हैं, वो भी बच जाएगी, पहले इनको छोड़ के आते हैं उसके बाद। जल्दी 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 जितने भी सेफ हाउस है सारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, हर जगह हमला हो रहा है, हर जगह पे। Come on, guys, faster! Strike at them! Listen, you should know the Bodarks are designing everything in order to incriminate the Russian government. Looks like it. Don't worry, the outcasts will have their boots on the ground in the region. Putting on night vision. Activating night vision goggles. Grenade fired! That'll show them. Nomad, you need to check drones out of juice. We lost it. अरे मारा कहाँ से इसने? मैं देख तक नहीं पाया उसे यार. You're good as new. ये छुपा हुआ है क्या, पता नहीं, दिख नहीं रहा है मुझे क्लियरली, ये यहीं कहीं पे है, ये था, नाइस वन। हरिटो का पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने आए हैं लोग, टुकड़ों टुकड़ों में सही, बट समझ में आ रहा है कि ये क्यों आए हैं यहाँ पे। और गाइस हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना, अब मैं आपको वहां ले चल रहा हूँ जहां मैं दिखाने वाला हूँ कि ये गेम कितना ईजी है, ठीक है। और अगर माहौल खराब होता, अगर आप साइलेंटली नहीं खेलते हो, क्यों इसका नाम घोस्ट है, घोस्ट रेकॉन क्यों है, अगर आप साइलेंटली नहीं खेलते हो तो क्या हो सकता है भी आप देखने वाले हो, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। एनिमी डाउन।
अब ये एक लोकेशन है जहां मैं हमला करने वाला हूं, लेकिन यहां पे हमला बिना साइलेंसर के करूंगा। मेरे किसी भी गन में साइलेंसर नहीं होगा, मैं सारे निकाल रहा हूं और इस पे हमला करेंगे। उसके बाद आपको दिखाता हूं कि माहौल कितना भयानक हो जाता है और जितना आपको आसान लगता है क्या सच में उतना ही आसान है, अभी देखना। ठीक है, चलो। आपने बहुत कम बार यहां पे मुझे मरते हुए देखा है या फिर खतरनाक माहौल के बाद मिशन फेल होते हुए देखा है, लेकिन अभी आप देख लोगे कि जब मैं साइलेंटली कोई चीज करता हूं, बहुत वेट करता हूं कहीं पे एनिमीज को मारने के लिए, इतना टाइम लेता हूं, तो क्यों लेता हूं आप सब समझ जाओगे। गन की आवाज से आपको समझ में आ रही होगी कि यहां भी हम साइलेंसर यूज नहीं कर रहे हैं। यह है एग्रेसिव मोड और उनको मालूम चल चुका है कि यहां पे हमला हो चुका है, तो अपने बाकी साथियों को बुला रहे हैं। ठीक, रॉकेट लॉन्च तो गया, टेंशन मत लो, बट अभी और भी 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 भाई कम ऑन। थोड़ा कवर लेके आगे बढ़ते रहो, ऐसे मारे जाए, कवर लेके आगे बढ़ते रहो। इजी ना, इजी ना। कोई बात, इट्स फाइन बेबी। पहले इनको ठोको रिइंफोर्समेंट को, उसके बाद आगे देखते हैं। I'm down, guys. I see one there. Boy, बहुत खतरनाक हमला हो रहा है, बहुत चारों तरफ से गोलियां पड़ रही है यहाँ पे। Targeted. We got enemy reinforcements. Grenade. Watch out. Take it easy. आराम से रुक जाओ, रुक जाओ। खुद को रिकवर करो, फिर आओ फाइट में। इन्होंने बुलाया भी तो सारे आर्मर वालों को, निकलो यहां से। फाइट द बैटरी इज एम्प्टी, ड्रॉप आउट। आई गॉट बीट ऑन दैट, तब तेरेगी। थैंक यू सो मच। मैं बोला था ना माहौल बहुत बिगड़ जाता है, आप ये नहीं देखते हो, बिकॉज़ मैं बिगड़ने नहीं देता माहौल को, लेकिन अभी और ये चीज आपने बहुत कम देखा है, मुझे मरते हुए बहुत कम देखा है आपने यहां पे, क्योंकि जब मैं खेलता हूं तो बहुत ही मोहब्बत से, आराम से और धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ता हूं, ताकि माहौल अपने कंट्रोल में रहे, एनिमीज के कंट्रोल में नहीं, और इसीलिए हम बहुत देर तक यहां पे जिंदा रह पाते हैं और मिशन कंप्लीट कर पाते हैं। बट थैंक यू सो मच गाइस आज का एपिसोड वॉच करने के लिए, आई होप आपको मजा आया होगा। और हाँ, ये एपिसोड में भी मैं कल अपलोड कर दूं, लेकिन जैसा मैंने बोला, हम थोड़ा सा लाइव भी एक साथ चल रहा है, सम्राट का भी आने वाला है, बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं, तो उसके में थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड आने में। लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप एटलीस्ट 4000 लाइक तो कंप्लीट कर दोगे इस पे। सो चले फिर। और हाँ, जहां तक बात है हरिटो इटो की, तो उसे हम खोजेंगे, और ये मिशन अभी बाकी है। मैंने आपको बोला था हरिटो इडो खोजने जाना है, कुछ इंटेल अभी भी और भी हमारे पास, जो मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूंगा। हरिटो के बारे में जानकारी गैदर करेंगे, कहां पे वो है, और उसे छुड़ा के लाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी आपसे बहुत बहुत जल्द दमदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।